ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2020 की साकार मुरली है। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा यह नया झाड़ बहुत मीठा है। इस मीठे झाड़ को ही कीड़े लगते हैं और कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव। कीड़ों को समाप्त करने की दवाई है मन मना भव, यानी बाबा में मन लगा लेना। प्रश्न है, पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? पास विद ऑनर होने वाले स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? बाबा ने बताया, वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट्स पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट्स पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इसमें भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। दैवी गुणों पर पूरा अटेंशन हो, ज्ञान योग पूरा हो, तब पास विद ऑनर हो सकेंगे। अब इसको पॉइंट वाइज ध्यान देंगे। उन स्टूडेंट्स की निशानी, नंबर एक, वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं लेकिन सभी सब्जेक्ट्स पर पूरा पूरा ध्यान देंगे। दूसरा पॉइंट, स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इसमें भी मार्क्स जमा होती हैं। तीसरा, साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। चौथा, दैवी गुणों पर भी पूरा अटेंशन हो। पांचवा, ज्ञान योग पूरा हो तो पास विद ऑनर हो सकेंगे। दैवी गुण, स्थूल सर्विस, जिससे दूसरों को सुख मिले, सब पर ध्यान देना है। गीत है, ना वह हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। बच्चों ने क्या सुना? बच्चों की किस से दिल लगी हुई है? गाइड से। गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं, गेट वे टू हेवन। गाइड क्या क्या दिखलाते हैं? स्वर्ग में जाने का गेट दिखलाते हैं। बच्चों को नाम भी दिया है, गेट वे टू हेवन। स्वर्ग का फाटक कब खुलता है? अभी तो हेल है, हेवन का फाटक कौन खोलते हैं और कब, यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुमको सदैव खुशी रहती है, हेवन में जाने के लिए रास्ता तुम जानते हो। मेले प्रदर्शनी द्वारा तुम यह दिखलाते हो कि मनुष्य स्वर्ग के द्वार कैसे जा सकते हैं। चित्र तो तुमने बहुत बनाए हैं। बाबा पूछते हैं, इन सब चित्रों में कौन सा ऐसा चित्र है जिससे हम किसी को भी समझा सकें कि यह है स्वर्ग में जाने का गेट। कौन सा चित्र ऐसा है जिससे हम समझा सकें कि ये है स्वर्ग में जाने का गेट? गोले के चित्र में, फिर बाबा ने बताया, गोला यानी सृष्टि चक्र। सृष्टि चक्र के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है, वही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नरक का गेट और उस तरफ है स्वर्ग का गेट। बिल्कुल ऊपर देखें, जहां घड़ी की सुइयां बनी हुई है, एक तरफ है नरक, एक तरफ है स्वर्ग। बिल्कुल क्लियर है, यहां से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम, फिर आती हैं स्वर्ग में। यह गेट है, सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर केवल दिखाया गया जहां से आत्माएं शांति धाम में भागती हैं। बाबा ने कहा, सृष्टि चक्र के चित्र में स्वर्ग जाने का गेट सिद्ध होता है, यही राइट है। ऊपर में उस तरफ है नरक का गेट, उस तरफ है स्वर्ग का गेट। बिल्कुल क्लियर है,
यहाँ से सब आत्माएं भागती हैं शांति धाम, फिर आती हैं स्वर्ग में। यह गेट है, सारे चक्र को भी गेट नहीं कहेंगे। ऊपर में जहाँ संगम दिखाया है वह है पूरा गेट, जहाँ संगम दिखाया थोड़ा सा पोर्शन, जिससे आत्माएं निकल जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं, निकल कर ऊपर जाती हैं, फिर नई दुनिया में आती हैं। बाकी सब शांति धाम में रहती हैं। कांटा दिखाता है कि यह नरक है, वह स्वर्ग है। कांटा कौन सा? घड़ी की सुइयां, घड़ी का कांटा बोलते हैं जिसे। कांटा दिखाता है कि एक तरफ यह नरक है, वह स्वर्ग है, सबसे अच्छा फर्स्ट क्लास समझाने का यही चित्र है, बिल्कुल क्लियर है, गेट वे टू हेवन। ये बुद्धि से समझने की बात है ना। अनेक अधर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। गेट तो बड़ा क्लियर है, यह गोला ही मुख्य चित्र है। इसमें नरक का द्वार, स्वर्ग का द्वार बिल्कुल क्लियर है। स्वर्ग के द्वार में जो कल्प पहले गए थे वही जाएंगे, बाकी सब तो शांति द्वार चले जाएंगे। नरक का द्वार बंद हो, शांति और सुख का द्वार खुलता है। जब नरक का द्वार बंद हो जाता तो शांति और सुख का द्वार खुलता है। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र यह है। बाबा हमेशा कहते हैं त्रिमूर्ति, दो गोले और यह चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है ना, दो गोले जिसमें स्वर्ग और नरक दिखाया, तो यह चक्र फर्स्ट क्लास चित्र है। जो भी कोई आए उनको पहले इस चित्र पर दिखाओ कि स्वर्ग में जाने का यह गेट है, यह नरक है, वह स्वर्ग है। नरक का अभी विनाश होता है और मुक्ति का गेट खुलता है। इस समय हम स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। कितना सहज है। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, आज बार बार गेट वे टू हेवन बाबा याद करा रहे हैं। स्वर्ग द्वार सभी तो नहीं जाएंगे, वहां तो इन देवी देवताओं का ही राज्य था। तुम्हारी बुद्धि में है स्वर्ग द्वार चलने के लिए अभी हम लायक बने हैं। बाबा कहते जितना लिखेंगे पढ़ेंगे तो बनेंगे नवाब, रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। जितना पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब। सबसे अच्छा चित्र यह गोले का है, बुद्धि से समझ सकते हैं। एक बार चित्र देखा फिर बुद्धि से काम लिया जाता है। तुम बच्चों को सारा दिन यह ख्यालात चलने चाहिए कि कौन सा चित्र मुख्य है जिस पर हम अच्छी रीति समझा सकते हैं। गेट वे टू हेवन, ये अंग्रेजी अक्षर भी बहुत अच्छा है, बाबा को ये नाम भी अच्छा लगा, ये अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी तो अनेक भाषाएं हो गई, हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला है ना, हिंदी भाषा, हिंदू लोग, हिंदी, ये हिंदुस्तान से निकला। हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, बाबा को भारत नाम ही पसंद है। हिंदुस्तान बाबा कहते अरब से, अफगानिस्तान से जो लोग आए तो उन्होंने ये नाम रख दिया, जो हिंद महासागर के ऊपर उसके आसपास है ना, इंडस नदी भी है यहाँ, तो इंडिया नाम और हिंदुस्तान ये नाम रख दिया। हिंदी अक्षर हिंदुस्तान से निकला, हिंदुस्तान अक्षर कोई राइट नहीं है, इसका असल नाम तो भारत ही है, भारत खंड कहते हैं। यह तो गलियों आदि के नाम बदले जाते हैं,
खंड का नाम थोड़े बदला जाता है। बाबा को लगा कि देश का नाम तो नहीं बदलना चाहिए, ये भारत खंड है, कोई गलियों कस्बों छोटी छोटी चीजों के नाम तो बदले जाते हैं, मोहल्ले का नाम, लेकिन खंड का नाम थोड़े ही बदला जाता है। महाभारत अक्षर है ना, तो सब में भारत ही याद आता है, गाते भी हैं भारत हमारा देश है, हिंदू धर्म कहने से भाषा भी हिंदी कर दी है। ये है अनराइटियस। सतयुग में था सच ही सच, सच पहनना सच खाना सच बोलना, और यहाँ सब झूठ हो गया। तो यह गेट वे टू हेवन अक्षर बहुत अच्छा है, चलो हम आपको स्वर्ग में जाने का गेट बताएं। जो भी आए उसको चित्रों पर दिखाना है, चलो हम आपको स्वर्ग में जाने का गेट बताएं। कितनी भाषाएं हो गई है, बाप तुम बच्चों को सदगति की श्रेष्ठ मत देते हैं, बाप की मत के लिए गायन है, उनकी गत मत न्यारी है। तुम बच्चों को कितना सहज मत देते हैं, भगवान की श्रीमत पर ही तुमको चलना है, डॉक्टर की मत पर चलेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, भगवान की मत पर चलेंगे तो भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है। है भी भगवानुवाच, इसीलिए बाबा ने कहा था पहले तो यह सिद्ध करो कि भगवान किसको कहा जाता है। स्वर्ग के मालिक जरूर भगवान भगवती ही ठहरे, ब्रह्म में तो कुछ है नहीं, कहेंगे ब्रह्म ही भगवान है। बाबा कहते ब्रह्म में तो कुछ है नहीं, स्वर्ग भी यहाँ और नरक भी यहाँ होता है। यहाँ मीन्स इस स्थूल दुनिया में, साकारी दुनिया में, ग्लोब पर। नरक भी यहाँ होता, स्वर्ग नरक दोनों बिल्कुल न्यारे हैं, उनका टाइम अलग अलग है। जब कलयुग है तो नरक है, फिर युग बदलेगा सतयुग आएगा तो स्वर्ग होगा। तो स्वर्ग नरक दोनों बिल्कुल न्यारे हैं, मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गई है। बाबा ने कहा कुछ भी समझते नहीं, सतयुग को लाखों वर्ष दे दिया है, कलयुग के लिए कहते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको हेवन में ले जाने के लिए ऐसा गुणवान बनाते हैं, मुख्य फुरना ही यह रखना है कि हम सतो प्रधान कैसे बने। बाप ने बताया है माम एकम याद करो, चलते फिरते काम करते बुद्धि में यह याद रहे, आशिक माशूक भी कर्म तो करते हैं ना, भक्ति में भी कर्म तो करते हैं ना, बुद्धि में उनकी याद रहती है, याद करने के लिए माला फेरते हैं। बाप भी घड़ी घड़ी कहते हैं मुझ बाप को याद करो, सर्वव्यापी कह देते तो फिर याद किसको करेंगे। जब कह ही दिया सर्वव्यापी तो हवा को पानी को कणकण को मिट्टी को किसको याद करेंगे। बाबा कहते फिर याद किसको करेंगे। बाप समझाते हैं तुम कितने नास्तिक बन गए हो, बाप को ही नहीं जानते हो। कहते भी हैं ओ गॉड फादर, परंतु वह है कौन। बाबा कहते वह है कौन यह जरा भी पता नहीं। आत्मा कहती है ओ गॉड फादर, परंतु आत्मा क्या है, आत्मा अलग है। उनको कहते हैं परम आत्मा अर्थात सुप्रीम, ऊंचते ऊंच सुप्रीम सोल परमात्मा। एक भी मनुष्य नहीं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर है, दो चीज है ना अलग। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, आत्मा अविनाशी एक बिंदी है। वह क्या चीज से बनेगी, इतनी छोटी बिंदी है, साधु संत आदि कोई को पता नहीं।
इसने तो बहुत गुरु किए, परंतु कोई ने यह नहीं सुनाया कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। ऐसे में सिर्फ परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को भी नहीं जानते, ना परमात्मा को जानते ना ही आत्मा को जानते। आत्मा को जान जाए तो परमात्मा को फट से जान जाए। बच्चा अपने को जाने, बाप को ना जाने तो चल कैसे सकते हैं। तुम तो अभी जानते हो आत्मा क्या है, कहाँ रहती है। डॉक्टर लोग भी इतना समझते हैं कि वह सूक्ष्म है, इन आँखों से देखी नहीं जाती है, बस इतना ही समझते हैं कि वह सूक्ष्म है, इन आँखों से देखी नहीं जाती, शीशे में भी बंद करने से देख कैसे सकेंगे। दुनिया में तुम्हारे जैसी नॉलेज कोई के पास भी नहीं है। तुम जानते हो आत्मा बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, बाकी सब आत्माएं पतित से पावन, पावन से पतित बनती है, वहां तो पतित आत्मा नहीं रहती है, वहां से सब पावन ही आते हैं, फिर पतित बनते हैं, फिर बाप आकर पावन बनाते हैं। यह बहुत ही सहजते सहज बात है। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 का चक्र लगाए अब तमो प्रधान बन गई है। हम ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं। बाप कहते हैं मैं समझाता इनको हूँ, सुनते तुम हो, मैंने इनमें प्रवेश किया है, इनको सुनाता हूँ तो तुम भी सुन लेते हो। यह है रथ, तो बाबा ने समझाया है नाम रखना चाहिए, फिर से वही बात समझाई, नाम रखना चाहिए गेट वे टू हेवन। परंतु इसमें भी समझाना पड़े कि सतयुग में जो देवी देवता धर्म था अब वह प्राय लोप है, कोई को पता नहीं। क्रिश्चियन भी पहले सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। झाड़ भी पुराना जरूर होता है, ये सब वैरायटी धर्मों का झाड़ है, झाड़ के हिसाब से और सब धर्म वाले आते ही पीछे हैं। यह ड्रामा बना बनाया है, ऐसे थोड़े कोई को टर्न मिल जाएगा सतयुग में आने का, नहीं, यह तो अनादि खेल बना हुआ है। सतयुग में एक ही आदि सनातन प्राचीन देवी देवता धर्म था। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। आत्मा कहती है हम तमो प्रधान हैं, तो घर कैसे जाएंगे, स्वर्ग में कैसे जाएंगे। पहले घर जाना मुश्किल, फिर स्वर्ग में कैसे जाएंगे। उसके लिए सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाप ने बतलाई है। बाप कहते हैं मुझे ही पतित पावन कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भगवानुवाच लिखा हुआ है, यह भी सब कहते रहते हैं। क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु कैसे बना हेवन, कैसे बना और फिर कहाँ गया, यह कोई नहीं जानते। तुम तो अच्छी रीति जानते हो, आगे यह सब बातें थोड़े ही जानते थे। दुनिया में यह भी किसी को पता नहीं कि आत्मा ही अच्छी व बुरी बनती है। सभी आत्माएं बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं, बाप सभी का माशूक है और सभी आशिक है, हम सभी बाबा के आशिक हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो वह माशूक आया हुआ है, बहुत मीठा माशूक है, नहीं तो सभी उनको याद क्यों करते। सब उनको याद करते इसीलिए हैं कि बहुत मीठा है।
कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम ना निकले। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकले। सिर्फ जानते नहीं है, तुम जानते हो। आत्मा अशरीरी है, आत्माओं की भी पूजा होती है ना। हम जो पूज्य थे वह फिर अपनी ही आत्मा को पूजने लगे, अपनी ही मूर्तियां बनाई और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। हो सकता है आगे जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, पिछला जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ हो। श्रीनाथ को भोग लगता है, खाते तो पुजारी लोग ही है ना। यह सब है भक्ति मार्ग। तुम बच्चों को समझाना है कि स्वर्ग का फाटक खोलने वाला बाप है, परंतु खोले कैसे और समझावे कैसे। भगवानुवाच है तो जरूर शरीर द्वारा ही तो वाच होगी ना। स्वर्ग का गेट खोलने के लिए बात समझानी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए शरीर का आधार लेना पड़ेगा। आत्मा ही शरीर द्वारा बोलती है, सुनती है। यह बाबा तो रेजगारी बताते हैं, बीज और झाड़ है, जो डिटेल की बातें हैं वो भी आज बता रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो ये नया झाड़ है। आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि को पाते हैं। तुम्हारे इस नए झाड़ को कीड़े भी बहुत लगते हैं, क्योंकि ये नया झाड़, नए नए बच्चे आते हैं, पवित्र ब्राह्मण बनते हैं। नया झाड़ बहुत मीठा है। मीठे झाड़ को कीड़े आदि कुछ ना कुछ लगते हैं, फिर उसे दवाई दे देते, उन पर दवाई छिड़कते हैं। बाप ने भी मन मना भव की बहुत अच्छी दवाई दी है। मन मना भव ना होने से कीड़े खा जाते, माया के कीड़े खा जाते हैं, अगर मन मना भाव होकर नहीं रहते तो। कीड़े वाली चीज क्या काम आएगी, वह तो फेंकी जाती है। कहाँ ऊंच पद कहाँ नीच पद, फर्क तो है ना। मीठे बच्चों को समझाते रहते हैं, बहुत मीठे मीठे बनो, कोई से भी लून पानी ना बनो, क्षीर खंड बनो। क्या कहा बाबा ने, कोई से भी लून पानी ना बनो, क्षीर खंड, जैसे दूध में चीनी डाल देते हैं वैसे मीठे बनकर रहो। वहां शेर बकरी भी क्षीर खंड रहते हैं, तो बच्चों को भी क्षीर खंड बनना चाहिए। परंतु कोई की तकदीर में ही नहीं है, तो तदबीर भी क्या करेंगे, नापास हो जाते हैं। टीचर तो पढ़ाते हैं तकदीर ऊंच बनाने के लिए, टीचर पढ़ाते तो सबको हैं, फर्क भी तुम देखते हो। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। स्टूडेंट जान जाते हैं, टीचर भी उनके लिए समझ जाते हैं। स्टूडेंट क्लास में जान सकते हैं कौन किस सब्जेक्ट में होशियार है। यहाँ भी ऐसे ही है। स्थूल सर्विस की भी सब्जेक्ट होती है ना। अगर यज्ञ में कोई स्थूल सेवा करने वाला ना हो तो यज्ञ कैसे चलेगा। तो यह भी सब्जेक्ट है ना। जैसे भंडारी है, भोली दादी को याद किया बाबा ने, जैसे भंडारी है, बहुतों को सुख मिलता है, कितना सब उसे याद करते हैं। यह तो ठीक है, इस सब्जेक्ट से भी मार्क्स मिलती है, लेकिन याद में की जाए स्थूल सेवा भी। लेकिन पास विद ऑनर होने के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं है, सब सब्जेक्ट में पूरा ध्यान देना है। ज्ञान भी चाहिए, चलन भी ऐसी चाहिए, दैवी गुण भी चाहिए, अटेंशन रखना अच्छा है। भंडारी के पास भी कोई आए तो कहे मन मना भव। शिव बाबा को याद करो,
तो विकर्म विनाश होंगे और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप को याद करते औरों को भी परिचय देते रहो। ज्ञान और योग चाहिए, बहुत इजी है, मुख्य बात ही यह है, अंधों की लाठी बनना है। प्रदर्शनी में भी किसी को ले जाओ, चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं, फिर आ जाओ उसी गेट वे टू हेवन में। चलो हम आपको स्वर्ग का गेट दिखाएं, यह नरक है, वह स्वर्ग है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, पवित्र बनो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। मन मना भव, हूबहू तुमको गीता सुनाते हैं, जैसे पिछली बार सुनाई थी वही गीता सुना रहे हैं। इसीलिए बाबा ने चित्र बनाया है गीता का, भगवान कौन, स्वर्ग का गेट कौन खोलते हैं, खोलता है शिव बाबा, कृष्ण उससे पार करता है, खोलता है शिव बाबा, पहला उसमें कृष्ण जाता है और फिर नाम रख दिया है कृष्ण का। मुख्य चित्र है ही दो, बाकी तो रेजगारी है, सृष्टि चक्र का चित्र, उसमें स्वर्ग का गेट भी समझा सकते हो, और द्वार खोला शिव बाबा ने, कृष्ण उसमें पास करते हैं। मुख्य चित्र है ही दो, बाकी तो रेजगारी है, बच्चों को बहुत मीठा बनना है। आज समझाया ना, क्षीर खंड होकर रहना है, लून पानी नहीं होना है, तो बच्चों को बहुत मीठा बनना है, प्यार से बात करनी है, मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख देना है। देखो भंडारी सबको खुश करती है ना, भोली दादी सबको खुश करती है, तो उनके लिए सौगात भी ले आते हैं। भाई बहन आते तो भोली दादी के लिए अलग से विशेष सौगात लेकर आते, तो यह भी सब्जेक्ट है ना। सौगात आकर देते हैं, वह कहती है हम तुमसे क्यों लूं, वो बाबा को दे देती है, हम तुमसे क्यों लूं, फिर तुम्हारी याद आएगी, शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की ही याद रहेगी। ये भोली दादी उनको समझाती है, शिव बाबा के भंडारे से मिलेगा तो हमको शिव बाबा की ही याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने ऊंच तकदीर बनाने के लिए आपस में बहुत बहुत क्षीर खंड यानी मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है, सभी सब्जेक्ट्स पर पूरा अटेंशन देना है। दूसरा पॉइंट है, सदगति के लिए बाप की जो श्रेष्ठ मत मिलती है उस पर चलना है और सबको श्रेष्ठ मत ही सुनानी है, स्वर्ग में जाने का रास्ता बताना है, स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाना है। आज बाबा ने वरदान दिया, शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा, शुद्ध संकल्पों की शक्ति के स्टॉक द्वारा मनसा सेवा के सहज अनुभवी भव, अंतर्मुखी बन, शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा करो। यह शुद्ध संकल्प की शक्ति सहज ही अपने व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देगी और दूसरों को भी शुभ भावना शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकेंगे। शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने के लिए
मुरली की हर पॉइंट को सुनने के साथ साथ शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाओ। जितना शुद्ध संकल्पों की शक्ति का स्टॉक जमा होगा, उतना मनसा सेवा के सहज अनुभवी बनते जाएंगे। स्लोगन है, मन से सदा के लिए ईर्षा द्वेष को विदाई दो। मन से सदा के लिए ईर्षा द्वेष को विदाई दो, तब विजय होगी। ओम शांति।